बड़ा होता है प्रोड्यूसर, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं चंद्रेश्वर प्रसाद जी और विकास नायक जी। विकास नायक जी और ये और हम तीनों अलग नहीं है, समझिए तीनों एक तरह से एक जान है इस फिल्म की। और हम तीनों ने जो सपना देखा, तीनों ने जो हमने देखे, कोशिशें की, मेहनत की, वो आज आप लोग के सामने आया है। तो उसमें हमारे इनका चंद्रेश्वर प्रसाद जी का बहुत बड़ा रहा है। सर आप कुछ अब बताइए, ये पिक्चर एकदम पारिवारिक पिक्चर है, इसमें पिताजी बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, बच्चा किस रूप में पिताजी को सपने को पूरा कर पाता है, ये पिक्चर में कहानी है। और सब साथ मिल के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। क्या बात है, जनता आके देखे और यहाँ से कुछ बच्चे भी सीख के जाएंगे, हम अपने पिता के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं और पिताजी भी बच्चे से कैसे संतुष्ट हो, ये सिर्फ कहानी में देखने को मिलता है। क्या बात, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैप्पी मूवी के लिए, वेलकम वेडिंग के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे आनंद जी ने बहुत मेहनत करी है और ये मूवी बहुत ही फैमिली है, ड्रामाबाज है, आप देखोगे बहुत अच्छी लगेगी। हम ट्रेलर देख चुके हैं, हम इनकी मेहनत देख चुके हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक में ये और भी सब परिवार के साथ देखा जाए, ऐसी मूवी है। तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिए और हमारी तरफ से इन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी मूवी है, घरेलू मूवी। जी नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर पवन यादव। जैसे कि आप देख रहे हैं वेलकम वेडिंग मूवी जो है, यह मूवी हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है। और मैं मूवी देखी, मुझे बहुत पसंद आया और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मूवी देखें और हमें आपका ब्लेसिंग दें। इससे पहले आप लोग पेट को पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि आपका हंसते हंसते पेट बहुत दुखने वाला है। ये मूवी इतनी कॉमेडी मूवी है, राखी जी ने जो इसमें धमाका किया, आपको पता है शीरा ड्रामा को इन आइटम को, ऊपर से राजपाल जी का तड़का और ऊपर से मैं तो हुई इनकी इनकी जो मूवी में मसाला डालेंगे राखी जी में मिलके, मेरा करेक्टर इसमें एज अ फ्रेंड है और जो कि मैं खूब धमाल मचाने वाली हूँ इस मूवी में और बहुत एक्साइटेड हूँ, इसकी स्क्रीन होने वाली है। और कुछ शब्द मेरी फ्रेंड निशा जी भी बोलेंगी, निशा पारिक, शी इज एक्ट्रेस निशा पारिक। हेलो 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 हेलो, वेलकम वेडिंग के लिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि राखी सावंत एंड मनीषा कुमारी बोथ आर माई वेरी गुड बडीज एंड राखी सावंत हमेशा की तरह ड्रामा क्वीन है और इस मूवी को प्रमोशन देख के ही मुझे लग रहा है कि वो इसे बहुत ही धमाल करने वाली हैं। और मनीषा कुमारी जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी बेस्ट फ्रेंड जो कि वो रियल लाइफ में भी उनकी बेस्ट फ्रेंड है और सुपर हिट है, बाकी देखने के बाद ही पता चलेगा। वी आर एक्साइटेड टू योर स्क्रीनिंग। मैं इस फिल्म में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन से पूरा टाइम मैं साथ में रहा हूँ, तो मैंने देखी है, मैंने सर की मेहनत देखी है इसके पीछे और मैंने फिल्म भी देखी है। एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म है, फैमिली फिल्म है। अभी एक टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादातर फिल्मों में, तो आप अंदर जाके देख सकते हैं। रिलीज़ होती है तो एक्साइटमेंट तो 100% की, वो फिल्म सबके सामने आ रही है। एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि 150 लोगों ने अपना खून पसीना जलाया हुआ होता है, तो उनके सबके घर जिसके नमक के काम जो फिल्म आई हो, मेरे किचन में जो फिल्म ने किचन चलाने में छोटी भी भूमिका निभाई है, उसको चाहे वो 2 करोड़ की फिल्म हो चाहे 200 करोड़ की फिल्म हो, हर चाहे 2 लाख की फिल्म हो, मैं हर फिल्म की बहुत इज्जत करता हूँ। और वेलकम वेडिंग जैसा नाम है, आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग सब कलाकारों की फिल्म है, आनंद जी ने उसको बहुत प्यार से बनाया है, बड़ी मेहनत की है और ये सच्चे जेन्युइन गाय, और बस आज इनके सपोर्ट के लिए, फिल्म के सपोर्ट के लिए और आप सबके सामने मुझे भी खड़ा होने का, मुझे भी एक पात्र निभाने का मौका मिला था और मैंने कोशिश की कि सबको अच्छा लगे। और बाकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं, पूरे सारे कलाकार बंधुओं के लिए शुभकामनाएं, प्रोड्यूसर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑडियंस के लिए बहुत सारी प्रार्थना कि प्लीज़ आप इस फिल्म को देखने आए, लोगों को आशीर्वाद दें। हमारा किरदार देख फैमिली किरदार है, आपको पता ही है जिस तरीके की फैमिली है वेलकम वेडिंग, तो फैमिली में एक फैमिली का ही किरदार है, फैमिली को देखने में अच्छा लगेगा, बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। रोड के ऊपर दूल्हा बनके दिख रहे थे, लेकिन रोड पे शायद आपको याद होगा।
अरे हम तो बहुत सारी फिल्मों में हम बड़ा खुश नसीब है कि हमें दूल्हा बना के मतलब है? अच्छा बहुत दिन पहले की बात है। हाँ अब काहे के लिए किरदार के लिए नहीं, किरदार को दिखाने के लिए आज फिल्म शुरू हो गई है और अंदर उसका जो है शो ऑन हो गया है और आप सबसे बस कि आपका किरदार आपको सामने देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसकी तरह है? आपको भी बांधना चाहिए क्योंकि देश में अब इतना गर्मी अर्मी का समय ये जब से हुआ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जीवन में आप कुछ भी करो लेकिन अपने शरीर का अपने मुंह का हमेशा ख्याल रखो, इसलिए हेल्थ पर हमेशा ध्यान रखो। मतलब फिल्म देख के खूब सेहत में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करो लेकिन बाहर निकलो तो अपनी सांस और दूसरे की सांस को सेफ करो। थैंक यू। हमने प्रयास किया, एक्साइटमेंट तो अभी सामने से आएगा, अच्छा है नहीं है क्या है तो अभी सामने रिप्लाई, आज पिक्चर देखने के बाद अभी तो स्टार्ट है, उसके बाद जो ओपिनियन आएगा आप लोग बताना क्या बताएं लोगों ने। हमने तो बहुत अच्छी कॉमिक फिल्म है, राजपाल और राखी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, चीज़ अच्छी है, कॉमेडी है, लेकिन रिप्लाई मीडिया और पब्लिक और जनता देगी उसका इंतजार रहेगा। तो इसको एक ही शब्द में कह सकते हैं कि जिस तरह एक माँ जो है अपने पुत्र के लिए जो जन्म देने वाली है, जो पीड़ा होता है, जो प्यार होता है, जो ममता होता है, वही चीज़ मेरे लिए है, वो एक्साइटमेंट है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो एक माँ के लिए कह सकते हैं माँ के रूप में कि ये फिल्म मेरे लिए पुत्र समान है, पुत्री समान है और बहुत ही मज़ेदार फिल्म है और ये पूरे पब्लिक को ना बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये पारिवारिक फिल्म है। और एज ए डायरेक्टर आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सहयोग दीजिए, मैं कितना सफल हुआ हूँ। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था राकेश जी के साथ, राजपाल जी के साथ? एक्सपीरियंस कहेंगे तो बहुत खट्टा मीठा, बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक पारिवारिक, एक टीम वर्क, एक बहुत ही अच्छा फिल्म मतलब रहा, जिसमें कि जिस तरह कॉमेडी फिल्म है उस तरह कॉमेडी की तरह हमने मजाक मस्ती में हमने फिल्म ये बना लिया और मजाक मस्ती के चलते चलते थोड़ा सा आया और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गम भी आए, जो फिल्म को हम जिस तरह दिखाएं इसमें उसी तरह से हमारे इस फिल्म के बनाने में जर्नी में भी हमारी चीज़ें आएँ। तो फिल्म के जो प्रोसेस में हमें जो अनुभव मिला है वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि खट्टे मीठे तो ज़िंदगी में हर तरह के इंसान मिलेंगे लेकिन आप जो अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, ईमानदारी से हर सम कोशिश करते रहिए, हरदम कोशिश करते रहिए, तो आपके सामने ये वेलकम वेडिंग आप लोग तक आएगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेडिंग की टीम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेडिंग के लिए इतना ही बोलूँगा मैं कि फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है और फिल्म बहुत ज़रूरी है देखने के, कैसा इसका ह्यूमर है, क्या है फिल्म में, और राखी की शादी है तो उसका सुहागरात देखना तो पड़ेगा आपको, वो बनता है। बेस्ट विशेज होंगी फिल्म के साथ बिकॉज मैंने इसको थ्रू थिक एंड थिन देखा है फ्रॉम स्टार्टिंग एज से स्क्रैच से टिल इसका रिलीज तक का, तो बहुत ज़्यादा विशेज है, बहुत इमोशंस जुड़े हैं। मैं आप सब लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कल रिलीज़ है, प्लीज़ जाके देखिए और अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कैसे लगे क्या लगे।